Let's do question number 27th of exercise 17D. Question number 27th is, a solid metallic sphere of diameter 8 cm is melted. एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है जिसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट किया गया एंड ड्रॉन इन टू अ सिलेंड्रिकल वायर, और एक वायर बना दी गई ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, एक जैसी सी मोटाई की. इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इज 12 मीटर, अगर लेंथ वायर की 12 मीटर है तो हमें विड्थ निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये स्फीयर का हमें डायमीटर दे रखा है 8 सेंटीमीटर और वायर एक जैसा सा बना दिया गया जिसकी लेंथ दे रखी है 12 मीटर. तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विड्थ. विड्थ मतलब इसकी मोटाई, तो इसका मतलब हमें डायमीटर निकालना है वायर का कितना होगा. तो हम लेट कर लेते हैं, हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले हमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ स्फीयर दे रखा है जो कि है हमारा 8 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया डायमीटर का आधा, दैट इज 8 / 2, 4 सेंटीमीटर हो गया, राइट. और हमें लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ वायर दे रखा है हमें 12 मीटर, राइट. हम दोनों यूनिट्स डिफरेंट हैं तो हम मीटर को किस में कर लेंगे, सेंटीमीटर्स में कर लेंगे. तो 12 × 100 = 1200, राइट. अब हमें 1200 सेंटीमीटर्स, अब वो कह रहा है मेल्ट करके रीकास्ट किया गया है, राइट, इनटू अ सिलेंड्रिकल वायर, और हमें डायमीटर निकालना है. तो डायमीटर लेट कर लेते हैं, लेट द डायमीटर ऑफ वायर बी डी सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ वायर आ गया हमारा डायमीटर का आधा, ये आ गया. अब क्योंकि रीकास्ट किया गया मेल्ट करके दोबारा बनाया गया है तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो कि होता है 4/3 πr³. तो ये कितना आ जाएगा, 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना था 4 × 4 × 4, तो ये कितना आ गया, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है. तो 4³ हमें पता है 64 होता है, 64 × 88, तो 64 × 88 कितना आया, 8 × 4 = 32, 3 carry, 8 × 6 = 48, 49, 50, 51, 2, 1 and 5, तो ये आ गया 2, 3, 6 and 5, तो ये आ गया 5632/21 cm³ आ गया. अब मैंने कहा रीकास्ट करके, मेल्ट करके रीकास्ट किया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ वायर जो होगा वो स्फीयर के इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा, राइट. तो वॉल्यूम ऑफ वायर कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ वायर आ गया हमारा जितना स्फीयर का था, दैट इज 5632/21 cm³ आ गया. अब वॉल्यूम कितना क्यूब आ गया, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम क्योंकि हमें डायमीटर निकालना है, और वायर क्या होगा क्योंकि सिलेंड्रिकल फॉर्म था तो πr² होगा. अब वॉल्यूम है हमारा 5632/21, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें पता नहीं है जो कि था d/2 × d/2, और हाइट हमें पता है जो कि हमने सेंटीमीटर्स में बना ली थी, दैट इज 1200. अब देखिए d × d इज d² ये अपनी जगह, अब 5632/21 अपनी जगह, 7 × 2 × 2 मल्टीप्लाई में चले गए न्यूमरेटर में, और 22 एंड 1200 हमारे डिनोमिनेटर में आ गए. तो ये कितना आएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21. ये देखते हैं ये कैंसिल होता है कि नहीं होता है 11 से 11, 5 = 55, यस हो जाएगा. तो 11 × 2 = 22,
11 5s are 55, 11 1s are 11, 11 2s are 22. 2 से 2 कैंसिल हो गया. 2 6s are 12, 0 0, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 0 0, 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 8s are 16. That's it. इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता. तो ये आ रहा है हमारा 2 8s are 16, carry 1, 2 2s are 4 and 5 and 2 upon 900. तो हमारा D कितना आ जाएगा? Square root of 256 upon 900, जो कि कितना आएगा? देखिए 256 किसका स्क्वायर रूट होता है? 16 का, और अपॉन 30 आ गया क्योंकि 900 का स्क्वायर रूट होता है 30. तो 2 8 16, 2 1 2, 2 5 10, दैट्स इट. और कुछ नहीं कट रहा है. तो हमारा डी आ गया है, मतलब डायमीटर आ गया है, विड्थ आ गई है हमारी वायर की 8 अपॉन 15 सेंटीमीटर इज द आंसर.